आपने वार्ड के अंदर क्या क्या काम करा है? जी सर, आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हो सर? बेसिकली झांसी के रहने वाले हैं, पर हमारा जन्म स्थान आगरा में ही है। आगरा की एजुकेशन है हमारी, मेरे मम्मी पापा मेरे पिताजी रेलवे में है, जहाँ से हमारा मैन प्रॉपर स्थान है घर का। और जो पहले तो ये चुनाव जो सीट महिला प्रत्याशी अब हो गई है, जो पहले शायद जेंट्स होती, अगर जेंट्स होती तो मैं इस बार इस मैदान में होता पार्षद पद हेतु, परंतु महिला होने के कारण मैं अपनी माताश्री को इस रण क्षेत्र में उतार रहा हूँ। और मैं कोशिश कर, मैंने जो साल से इस क्षेत्र में जनता सेवा की, अगर जनता चाहती है कि उनका भला हो, आगे वो बढ़े, तो अवश्य मुझे वोट दें। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, वह अपने अपने लिए ही वोट दें। आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हो, क्या आपने वार्ड में आपने कुछ काम कर दिखाए हैं पहले आप? जी हाँ, बिल्कुल काम किए सर। मैंने स्ट्रीट लाइटें सही कराई है, खराब पड़े हुए सभी हेडपंपों को सही कराया हुआ है। और मैंने डीएम नगर आयुक्त जो अपने डीएम साहब है, उनको मैंने कई एप्लीकेशन दी जिसके कार्य चलते सभी कार्य पूर्ण किए गए हैं। और यहाँ के जितने भी रोड के गड्ढे हैं वो भी मैंने भरवाए हुए हैं। पाइपलाइन इश्यू कराई है, उज्ज्वला योजना जो आपकी अमृत योजना के तहत, जो अमृत योजना आई है क्षेत्र की पूरी यूपी की, उसके तहत अपने प्लान कैसे बना आपका चुनाव लड़ने के लिए? प्लान ऐसा बना कि जनता सेवा, जनता का ही आग्रह था कि आप इसमें खड़े की हुई है, आपको इतनी जानकारी इस विषय में, तो आप जनता सेवा कर सकते हैं और आप हर फील्ड के बारे में जानकारी रखते हैं। हमने एक छोटी सी शॉप भी ले रखी है जिससे हम जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। और यही बस। अभी आप श्यामा देवी जी के बेटे से रूबरू सुन रहे थे आप सभी, अब डायरेक्ट ही श्यामा देवी से पूछते हैं उनका क्या लक्ष्य लड़ने जा रही हो, अगर जीत गई आप तो 5 साल में क्या कर दिखाओगे आप चुनाव अपने वार्ड के अंदर? जो करते हुए आए हैं अभी तक वही कर दिखाएंगे हम आपको। अब क्या प्लान है आगे का, आपने क्या आपने बनाया उद्देश्य? ये प्लान है, ये जनता को जो कि मतलब गरीब है जनता और जानती नहीं है कि इस काम को इस तरह करना चाहिए, वो काम को हम कर दिखाएंगे। सबसे बड़ा श्रेय किसको मानते हो आप ये सब काम करने के लिए? जी अभी तो कौशल कुमार को ही है, ये तो कौशल कुमार को मानना पड़ेगा अभी तो जी। अभी आप सुनाए थे श्यामा देवी जी की भी वाणी सुनी आपने, इनके बेटे जी की भी सुनी, इनका एक ही मकसद है शुरू से ही अपने वार्ड के अंदर वो काम कर